आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एयर कूलर बताने वाला हूं जो आपको एसी की तरह हवा देता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस एयर कूलर के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उसका नाम है हाई फ्रेश पोर्टेबल एयर कूलर। जैसा कि इसके नाम में ही दे रखा है कि ये एक पोर्टेबल एयर कूलर है जिसे आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ये एयर कूलर आपको सिर्फ एसी की तरह हवा ही नहीं देता बल्कि इसके और भी कई बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से मैंने इस एयर कूलर को स्पेशली सिलेक्ट किया है रिव्यू करने के लिए। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट इस एयर कूलर का ये है कि ये एयर कूलर सिर्फ 39 डेसिबल्स के नॉइज लेवल पर ऑपरेट होता है, यानी कि ये एयर कूलर बिल्कुल ना के बराबर आवाज करता है। जैसा कि हमें ट्रेडिशनल एयर कूलर्स में देखने को मिलता है कि वो एयर कूलर्स काफी ज्यादा आवाज करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर कस्टमर्स कंप्लेंट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी आपको इस एयर कूलर में देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात, इस एयर कूलर की पावर कंजम्पशन कैपेसिटी है सिर्फ 80 वैट्स, यानी कि ये एयर कूलर काफी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, यानी कि ये एयर कूलर काफी एनर्जी एफिशिएंट है। तीसरी बात, ये एयर कूलर पानी की भी काफी बचत करता है। वैसे ये एयर कूलर आपको 4.1 लीटर कैपेसिटी में मिलता है और ब्रांड आपको ये दावा करता है कि अगर आप इस एयर कूलर में 4 लीटर पानी भी डाल देते हैं तो ये एयर कूलर 15 घंटों तक रन होगा। चौथी बात, इस एयर कूलर को क्लीन करना काफ़ी ईजी है। पांचवी बात, इस एयर कूलर को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये काफ़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये एक टावर एयर कूलर है और इसे आप इजीली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं और किसी भी कॉर्नर में आप इसे इजीली फिट कर सकते हैं। छठी बात, ये एयर कूलर आपको रिमोट फीचर के साथ मिलता है, यानी कि आपको मैनुअल एफर्ट्स डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जहां पर बैठे हैं वहीं से रिमोट का इस्तेमाल करके इस एयर कूलर को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। और सातवीं और आखिरी बात, इस एयर कूलर में आपको स्मार्ट टच पैनल यानी कि LED डिस्प्ले देखने को मिलता है, विच इज़ गुड फॉर ईजी नेविगेशन। सो इतने सारे फायदे होने की वजह से ही मैंने इस एयर कूलर को चूज़ किया है रिव्यू करने के लिए। अब आइए हम इसके फीचर्स को चेक करते हैं। ये एयर कूलर आपको मिलता है 4.1 लीटर कैपेसिटी के साथ। इसकी पावर कंजम्पशन कैपेसिटी है 80 वैट्स और इसमें आपको तीन स्पीड सेटिंग्स देखने को मिलती है, लो, मीडियम एंड हाई। इस एयर कूलर के साथ आपको रिमोट मिलता है और इस एयर कूलर में आपको चार मोड देखने को मिलते हैं, नेचुरल मोड, नॉर्मल मोड, स्लीप मोड एंड कूलर मोड। आप अपने कंफर्ट के अनुसार किसी भी मोड को चूज कर सकते हैं। इसमें आपको 2-स्टेज फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है जो आपको फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है। इसका नॉइज लेवल है सिर्फ 39 डेसिबल्स। इसमें आपको 12 घंटों का टाइमर फंक्शन भी देखने को मिलता है। ये एयर कूलर 70 डिग्री पर ऑसिलेट होता है। इसमें आपको वाटर लेवल इंडिकेटर भी मिलता है सो डैट कि आपको ये पता चल जाता है कि पानी कितना भरा है और कितना नहीं। इसमें आपको स्मार्ट टच पैनल LED डिस्प्ले मिलता है और ब्रांड आपको इस एयर कूलर पर 1 साल की वारंटी प्रोवाइड करता है। लेकिन इस एयर कूलर का सबसे बड़ा फीचर है इसके साथ मिलने वाले 4 आइस पैक्स, और इन आइस पैक्स की वजह से ही ये एयर कूलर आपको AC जैसी फील कराता है। इन आइस पैक्स का काम कुछ ऐसा होता है कि इसमें आपको पानी भरना है और फिर इन आइस पैक्स को आपको फ्रीजर में डाल देना है। फ्रीजर में डालने के बाद 4 से 5 घंटे बाद इन आइस पैक्स में बर्फ जम जाएगी और फिर इन बर्फ जमी हुई आइस पैक्स को आपको एयर कूलर के अंदर डाल देना है। इसके बाद ये एयर कूलर आपको एयर कंडीशनर जैसी हवा देगा, तो है ना कमाल की बात। अब आइए हम बढ़ते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। प्रोज, इस एयर कूलर को असेंबल करना काफी ईजी है। ये एयर कूलर एक स्पेस सेविंग डिजाइन के साथ आपको मिलता है। ये एयर कूलर आपको AC जैसी फील कराता है। ये एयर कूलर काफ़ी साइलेंट है। इसका वेट भी काफ़ी कम है। ये एक लाइट इन वेट एयर कूलर है। ये एयर कूलर काफ़ी पोर्टेबल है। आप इसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। इस एयर कूलर को क्लीन करना काफ़ी आसान है। ये आपको इफेक्टिव कूलिंग प्रोवाइड करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस एयर कूलर की आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें कॉन्स की, तो इस एयर कूलर के 3 कॉन्स हैं। सबसे पहला कॉन इसका ये है कि ये एयर कूलर एक्सपेंसिव है। यह आपको 12,000 रुपये के आसपास मिलता है। सो अगर आपका प्राइस बजट ज़्यादा है तो ही आप इसके साथ जाएं। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप इस एयर कूलर पर जो भी अमाउंट स्पेंड करेंगे
वो वर्थ इट होगा। दूसरा कौन इस एयर कूलर का ये है कि इसमें आपको व्हील्स नहीं मिलती। हालांकि व्हील्स होने का ये फायदा होता है कि आप किसी भी एयर कूलर को इजीली पुश करके कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे इस एयर कूलर में आपको व्हील्स नहीं मिलती, इसलिए आपको इसे लिफ्ट करके उठाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। और तीसरा कौन इस एयर कूलर का ये है कि इस एयर कूलर को सिर्फ नॉर्मल साइज रूम के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। अगर आप बड़े हॉल के लिए या फिर लिविंग रूम के लिए एयर कूलर परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसके साथ ना जाएं। इस एयर कूलर की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।